अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, तो स्वागत है आपका जारिया के किचन में। चलिए दोस्तों, आज बनाती हूँ जीरा चना दाल पुलाव। जी हाँ, ये जीरा तड़का का डाला हुआ चना दाल डाला हुआ पुलाव है और कुकर में ही बनाऊंगी। बहुत इजली, बहुत झटपट सी बनने वाली रेसिपी। शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके। तीन पाव चावल के लिए डालना है 6 चम्मच तेल डालिएगा, बड़े चम्मच से 6 चम्मच तेल। ठीक है, तेल को अच्छी तरह हमें गर्म होने देना है और जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे जीरा। अल्हम्दुलिल्लाह से तेल देखिए गर्म हो गया है, थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। प्याज को अच्छी तरह हमें फ्राई करना है। प्याज हमारी हो गई है कलर ब्राउन कलर, हमें इससे ज़्यादा और फ्राई नहीं करना है, बस इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि प्याज हमारा ओवर कुक ना हो। उसके साथ साथ ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच है, 1 बड़ा चम्मच है। पानी और थोड़ा ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, पिसा हुआ नहीं डाल के हम इस तरह से डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच। अब इन सभी को हमें भूंजना है अच्छी तरह से। खुशबू आने तक अच्छी तरह हमें मसालों को भूंज लेना है। इसमें हमें ऐड कर देना है नमक क्वांटिटी के हिसाब से, और बाद में भी पानी चावल जब डालेंगे तब एक बार नमक जरूर चेक करें। हमारे मसाले भुजाते हैं, चावल धो लेती हूँ और पहले से चावल को बिल्कुल भिंगाइए नहीं। पहले में मैं बताई हूँ अपनी रेसिपी में, कभी भी आप कुकर में बना रहे हैं चावल तो बिल्कुल भिंगाना नहीं है, संगे संग धोना है चावल को और ऐड करना है। तो चलिए चावल को अच्छी तरह से धो लेती हूँ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चना दाल को जो धो के रखी थी वो मैं ऐड कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं है चना दाल, 3 चम्मच होगा, 3 बड़े चम्मच से। अच्छी तरह से भून लेना है मसालों के साथ, अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए अच्छी तरह मसाले चना दाल सब भी भुंजा गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चावल और चूल्हे का फ्लेम को लो करके रखिएगा जब चावल डालना है तो। प्लीज़ दोस्तों मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखिए, कुछ छूटने ना पाए, बिल्कुल केयरफुली डालिए चावल को। चावल मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। अब अच्छी तरह मसालों को चावल को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हमें। आप चाहे तो इसको 1 से 2 मिनट भून सकते हैं हाई फ्लेम पे चावल को इस तरह से चलाते हुए। हम मसालों के साथ चावल को 1-2 मिनट और भून लेती हूँ। 1 से 2 मिनट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे पानी, बिल्कुल चेक करके डालिएगा और बराबर पानी डालना है। इसी स्टेज पे हमें करना है नमक चेक। नमक कर ली हूँ चेक। अब इसमें हल्का से थोड़ा से हमें डालना है पुदीना के पत्ते, आपके पास अगर है तो ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा लगता है। पत्ते ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा खुशबू के लिए। अब हम इसमें थोड़ा से धनिया के पत्ते भी ऐड कर दूंगी और इसको लगाना है हमें सीटी, 1 से 2 सीटी लगाइए, 1 से 2 सीटी हमें लगाना है और चूल्हे को कर देना है बंद और 5 से 6 मिनट के बाद हमको
सीटी को रिलीज करना है गैस को, उसके बाद हमें कुकर को खोल के चावल खोल लेना है, बिल्कुल अलग कर लेना है दाने, ठीक है। तो चलिए सीटी लगाने के लिए, अल्लाह से देखिए हमारा कुकर में बनाया हुआ पुलाव बन के रेडी हो चुका है। चलिए मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल दाने अलग अलग हैं, बिल्कुल सटे हुए नहीं हैं, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है खाना हमारा। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी बनाई ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो चलिए इसको प्लेटिंग नहीं करूँगी मैं, इसी तरह आप बनाइएगा। और कुकर पुलाव आपको कैसा लगा चना दाल जीरा के डाल के, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।